यही बात कर रहे थे कि जो बाबा राम रहीम जी वाला जो केस है पूरा, उसमें ज्यादा पेंच तो है नहीं। जिसकी रेप के चार्ज में उनको सजा मिली है, पूरा जो डेरा वो चलाते हैं ठेर, उसमें पूरा सामाजिक कार्य बहुत होता है। तो हम लोग नैनीताल में, तो आप कह रहे थे कि ये भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके बाबा जी के चक्कर में उनके जो भी करतूते रहे, श्रद्धालुओं को नुकसान झेलना पड़ेगा, जो पूरा समाज कार्य है वो उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होगा। तो मेरा मेरा यही सवाल था कि अगर एक आश्रम है, उसमें कमरे के अंदर व्यभिचार चल रहा है, बलात्कार हो रहा है, और उसमें जो उस आश्रम का जो मुखिया है वही उसमें संलग्न है, मौजूद है, और आश्रम के पूरे चारों तरफ बाहर भंडारा हो रहा है, मोर बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, वो घर बना बना के दिया, ये क्या ड्रामा है? मेरे जीवन का बहुत ये ऑलमोस्ट आपको मैं लिखने वाला था कि मैंने कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कि एक घाव ही है जो अब भर जीते जी तो भरने से ही रहा। कि ऐसे ये बहुत फॉर्चुनेट इवेंट था कि मैं आसाराम बापू जी से जुड़ा, पर अब जो भी अब डंडी आ रही है, अब तो एक तरीके से घाव ही हो गया। कि मैं ऐसे बाजार में भी चल रहा होता हूँ तो कुछ भी कोई भी अ से कोई सेलेबल होता है तो मुझे वो वही बार बार हिट करता है। तो इट्स एन इनकम्प्लीट स्टोरी, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी हम लोग नैनीताल खुरपाताल में थे ना, तो जब ऊपर सेशन कर रहे थे हम लोग, तो बड़ा ही पीछे कर रहा था, ठोका ठाकी कर रहा था, तो मैं गया उसको बंद करवाने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि 15 मिनट और रुक जाओ, बहुत देर से परेशान हो रहा था। फिर मैं वापस आने लगे, फिर मैं रुक गया। वो लोग ऊपर थे, पहले माले थे, तो उस पर उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये सत्संग हो रहा है, और उसके तुरंत 5 सेकंड बाद उन्होंने आसाराम बापू का नाम लिया। फिर उसके बाद वो पूरा खेमा सामने आ गया। तो सेक्स और रुपया, तो आसाराम बापू जी पे भी जो दो लगे हैं कि जमीन हड़प रखी है, पैसा है, नॉन बैठा सकता, किसी भी ग्रुप पे अशोक पे भी जो लगे थे, इन पे भी, बाबा राम पे भी लगे। और आप कह रहे थे कि फलाना जिस केंद्र से कोई काम कर्म करता है, और दूसरा कोई किसी केंद्र से कोई कर्म करता है, उसमें अंतर होता है। तो एक डिसाइपल होने के नाते, क्योंकि हम तो उसने शुरू में ही कहा कि हम तो उन्हें नाप सकते नहीं है, कर्म हम देखते हैं तो आड़े तिरछे हैं, केंद्र हमें दिखता नहीं है, और हमारी जो श्रद्धा है वो स्थूल डिगने को तैयार है। तो हम लोग करेंगे, समाज तो कर्म ही देखता है, न्याय कर्म देखता है, और आप एक इकाई हैं, समाज कर्म देख के जस्टिस वो जजमेंट पास करके आपके सामने रख देगा, तो आप अकेले लड़ते रहिए, आप बोलते रहिए नहीं नहीं वो दूसरे केंद्र से हुआ था एंड ऑल दैट। समाज में स्थापित हो गया है कि जिसको आप गुरु मानते हैं वो ये। तो ये जो लड़ाई है एक अकेले श्रद्धालु की, एक नास्तिक समाज में, वो क्या है? बात बहुत सीधी ही है। तुम उसमें इधर उधर की बातों का मिश्रण कर रहे हो, इसीलिए फंस रहे हो। गुरु और शिष्य का नाता क्या है? गुरु तुमसे कुछ मांग रहा है क्या? तुम्हारी बात कर रहा हूं, उन्होंने तुमसे क्या क्या मांगा? वो तुमसे ये भी मांग रहे हैं क्या कि तुम अपने मन में मेरी उज्जवल धवल छवि रखो? ये फिर से पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं क्या कि तुम अपने मन में मेरी उज्जवल धवल छवि रखो? आज जो लेख पढ़ रहे हो उसमें बायजीद के गुरु बायजीद से पूछते हैं, मैंने तुझसे कभी कहा था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा?
उन्होंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे आदर्शों के अनुरूप चलेंगे? बताओ। मैं कह रहा हूं जितने आरोप लगाए गए, मान लो एक बार को कि वो है भी तथ्य, साबित हो गई, पुष्टि हो गई, तो उन सबके साबित हो जाने से क्या तुमसे वो छिन जाएगा जो तुम्हें उनसे मिला? गुरु और शिष्य का नाता इसीलिए मैंने पूछा कि क्या है। तुम लेते हो, वो देता है, बात खत्म। तुम्हें कुछ मिलना था उनके माध्यम से, तुम्हें मिल गया, बात खत्म, तुम अनुग्रहित रहो। एक कहावत है, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। पूरा लेख ही इस बात में है कि गुरु के व्यक्तित्व से सरोकार मत रखो, आम खाओ। तुम्हें अपने व्यक्तित्व का तो कुछ पता है नहीं, उसके व्यक्तित्व को तुम क्या जान पाओगे? और जानने के नाम पे वही करोगे जो तुम करते हो। तुम्हें समाज ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, वो तुम अपेक्षा करते हो कि गुरु भी करे। तुम्हें समाज ने कुछ गंदी गंदी बातें बता दी हैं, वो तुम अपेक्षा करते हो कि गुरु ना करे। तुम अपने व्यक्तित्व को भी तो ऐसे ही परखते और निर्धारित करते हो ना, तो वही मापदंड तुम गुरु के ऊपर भी लगा देते हो। समझाने वालों ने 100 दफे समझाया, चाहे रमण महर्षि हो, निसर्ग दत्त हो, और यहां पर वो शोर कि आम खाओ। न पेड़ गिनो, न गुठलियां गिनो, न छिलके गिनो, न स्रोत गिनो, ये फालतू के काम है। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि घनघोर अंधेरे में थे, किसी ने रोशनी दे दी, तुम वो भूल गए। तुम्हारा चित्त इधर उधर के प्रपंचों में उलझा। तुम्हें इससे ज्यादा मतलब है कि बलात्कार हुआ कि नहीं, जमीन हड़पी कि नहीं। हाँ हड़पी, तो हजारों लोग हड़पते हैं, उनको लेकर तो तुम व्यथित नहीं रहते। जितनी सारी बातों को तुम पाप कहते हो, मान लो एक बार को कि तुम्हारे गुरु ने किए, क्या वो अकेले हैं जिन्होंने किए? बहुत लोग करते हैं, उनको लेकर तुम व्यथित नहीं रहते। गुरु को लेकर ही क्यों व्यथित हो? क्योंकि गुरु से उम्मीद करते हो कि वो ये सारे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो तो गुरु जी हैं, और गुरु जी को तो सारे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ठेंगा हम कह रहे हैं गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा है और हम उनके चेले हैं तो हम भी अच्छे हो गए। गुरु वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। हाँ। भाई गुरु काहे को वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो? इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु जैसा है वैसे में ही वो अति उत्तम है। ना वो अति उत्तम है, ना अति निकृष्ट है। ना उत्तम बोलो, ना अधम बोलो, तुम बस ये देखो तुम्हें मिला क्या, बात खत्म हो गई। उसके आगे का निर्णय करने का तुम्हारा हक नहीं। समझ रहे हो ना बात को? रही सामाजिक व्यवस्था पर खरे न उतरने की बात, तो उसका दंड समाज से मिल जाता है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जी तो आप एक समाज के भीतर ही रहे हो। तमाम तरीके से आपका समाज से, लोगों से, सरकार से सरोकार है। उन्हीं की जमीन ली है, उन्हीं का बिजली पानी लेते हो, और संत होने के नाते, अध्यात्म के नाते रियायती दरों पर भी लेते हो। तो फिर उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो पूरी नहीं करोगे तो सजा होगी, जेल मिलेगी, बात खत्म। वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, इन दोनों बातों को अलग अलग करना सीखो।
गुरु का जो सामाजिक संस्करण है, जो सामाजिक रूप है, वो एक चीज है, और उससे जो तुमको आत्मिक लाभ हो रहा है बिल्कुल दूसरी चीज है। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम इन दोनों को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे। ये तीव्र बौद्धिकता की भी निशानी नहीं है। किसी का कथन है कि एक सुगढ़ मन का लक्षण यह होता है कि वो दो परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ लेकर के चल सकता है, बिना ये शर्त रखे कि उनमें से किसी एक को ही सही होना चाहिए, एक को गिरना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि या तो ये सिद्ध हो जाए कि वो सामाजिक रूप से भी दोषी नहीं थे, या फिर ये सिद्ध हो जाए कि उन्होंने जितनी मुझे शिक्षा दी वो शिक्षा भी दोषपूर्ण थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो समाज के क्षेत्र में अपराधी हो, लेकिन उन्होंने जो तुम्हें जो शिक्षा दी हो वो शिक्षा अव्वल दर्जे की हो। दोनों बातें एक साथ संभव हैं, इनको क्यों नहीं एक साथ मान लेते? लोग पागल हैं, लोग क्या करते हैं? गुरु यदि सिद्ध हो गया कि बलात्कारी है तो वो उसका आश्रम भी जला देते हैं, उसकी सारी शिक्षा को भी भूल जाते हैं। ये क्या पागलपन है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग द बेबी आउट विद बाथ वाटर। बच्चे को नहलाया, ठीक है, एक टब वगैरह में बच्चे को नहलाया। अब नहलाया तो पानी कैसा हो गया? कैसा हो गया? अब मैला हो गया। कहते तो बड़ा मैला है मामला, तो ले पूरा फेंक दिया, और उसमें क्या था? बच्चा भी था। रावण क्या था? पर स्त्री पर आसक्त था कि नहीं था? और सीता तो बच गई बलात्कार से, कुछ तिनका वगैरह दिखा दिया था, जो भी है कहानी की, डरा दिया रावण बेचारा, तिनके से डर गया इत्यादि। और भी स्त्रियां हर के लाया होगा, लाया ही था, वहां जबरदस्ती में की होगी। हरण अपने आप में ही जबरदस्ती है, हरण को ही तुम बलात्कार की शुरुआत मान सकते हो। पर जब गिर गया रावण, मरने को था, तो राम ने नहीं भेजा लक्ष्मण को कि जा और कुछ सीख के आ, महाज्ञानी है वो, आगे का पता है ना। लक्ष्मण गए विजेता की तरह, छाती फुलाए, उसके सर के पास खड़े हो गए, बोले कुछ सिखाना है क्या? डू गॉट समथिंग टू टीच? रावण वैसे ही आखिरी सांसें गिन रहा था, मुस्कुराया होगा, खाओ भाई ये बच्चे आज के, वो तो किस्मत की बात थी और तुम्हें राम का साथ था तो तुम खड़े हो, मैं गिरा हूं, नहीं तो तुम्हें बताता कि मैं कौन हूं। कुछ बोला ही नहीं तो ये लौट आए, राम से बोले वो क्या अहंकारी आदमी आपने भेज दिया, वो थोड़ी कुछ बोलेगा। राम ने पूछा खड़े कहां हुए थे, कैसे सीखना चाहा? लक्ष्मण बोले कुछ नहीं, गए थे, वो पड़ा था उसके सामने खड़े हो गए, बोले भाई कुछ हो तो बता दो। राम ने कहा तमीज सीखो, जाओ और सविनय सादर चरणों पे बैठो, उसके सर झुकाओ और कहो कि करबद्ध होकर के मांगता हूं कुछ सिखाइए। फिर रावण ने सिखाया। तो राम ने क्या यह कह दिया कि पगले जो तेरी भाभी उठा ले गया तू उससे ज्ञान लेने जा रहा है, और भाभी को क्या मुंह दिखाएगा? तुम्हारे अपहरणकर्ता से मैं सीख लेने गया था। और जिसके मेघनाद ने तेरी छाती में ऐसा बाण मारा था कि तू करीब करीब मरी गया, तू उससे सीख ले। राम ने ये कहा क्या? ये दो अलग अलग बातें हैं ना।
ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ स्वीकार करना सीखो। आ रही बात समझ में? जो लिखता है श्रृंगार शतकम वही तो लिख देता है वैराग्य शतकम। तो ये कह दोगे क्या कि उसका वैराग्य शतकम पढ़ूं जो इतना काम लोलुप था? श्रृंगार शतकम पढ़ा है ना, उसमें स्तनों और जंघाओं के अलावा और कोई बात ही नहीं है। और तुम कहोगे ये देखो ये इनका इतिहास है, ये इस तरह की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, इनको तुम संत बनाए दे रहे हो, अब ये वैराग्य बताएंगे, सुवर स्वर्ग दिखाएंगे। यही तो हमारी मध्यम वर्गीय आम भाषा है। पर सुवर भी अगर स्वर्ग दिखाए तो देख लो, अनुग्रहित रहो। तुम्हें नहीं पता होता परमात्मा की अनुकंपा तुम पर किस माध्यम से आ जाएगी, जिस माध्यम से आ गई तुम्हारे लिए वही माध्यम परमात्मा का अवतार होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी हो खालिस, बस थोड़ा सा अभी दो तीन साल से कम हिंदुस्तानी हो रहे हो, हमारे यहां तो सबसे सीखा गया है, चुड़ैल मिली चुड़ैल से सीख लिया, पढ़ना कहानियां पुरानी, हमारे पुराण कैसी कैसी तो बातें बताते हैं, हैरत अंगेज। पर उन सब में कुछ गहरी बात है, वो बेताल को पीठ पे लादे चला जा रहा है। और बेताल क्या कर रहा है? विक्रमादित्य बेताल को, और कौन सी कहानी, मनोरंजक कहानी है, कैसी कहानी है वो? बेताल है क्या? एक कुरूप प्रेत है वो, प्रेत से सीख रहे हैं, प्रेत से सीख रहे हैं। ये कहता है भारत कि प्रेत सिखाए तो प्रेत से भी सीखो, अब प्रेत की शर्त पूरी कर रहे हैं। और बदले में प्रेत क्या दे रहा है? धमकी, तेरा सर काट दूंगा। जब बेताल को अपने ऊपर लादते थे तो मालूम है क्या बोलता था बेताल? क्या बोलता था? मुंह खोला तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसे एक बार नहीं अनेक बार ढोते हैं, और हर बार फुर हो जाता था। ऐसा धैर्य चाहिए गुरुता में प्रवेश के लिए। तुम कैसे सीखोगे राह के कुत्ते से? तुम कैसे सीखोगे खरगोश से और मेंढक से? वो तुम्हारे आदर्शों पे खरे उतरेंगे क्या? बोलो कैसे सीख पाओगे तुम उनसे? तुम्हारा ही फेंका हुआ जूठा खाता है कुत्ता, तुम कहोगे ये गुरु है, मेरे जूठन पे पलता है, सुअर टट्टी खा रहा है, तुम उससे क्या सीख पाओगे? और इनसे नहीं सीख पाओगे तो किसी से नहीं सीख सकते, क्योंकि जिंदगी तो यही है। कुछ सुअर हैं जो सुअर रूपी हैं, कुछ सुअर हैं जो मनुष्य रूपी हैं, है तो यही यही, इनसे नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे? बोलो, तुम्हारे आदर्शों पर जो शत प्रतिशत अव्वल आ जाए ऐसा तुम्हें मिलेगा कहां? फिर तो मांगते रह जाओगे और निराशा मिलेगी। जहां ही दिल लगाओगे वही दिल टूटेगा, कहोगे ये देखो इसको गुरु बनाया और ये भी धोखेबाज निकला। हजार राहें चल के देखी कहीं से कोई सदा ना,
तुम पूरे इतिहास में मुझे एक गुरु बता दो जिसके चरित्र पर, जिसके दामन पर समाज ने दाग न देखे हो। ये कुछ मूर्तियां विराजी हैं यहां पर, इनमें से बता दो कौन है जो समाज की दृष्टि में बिल्कुल पाक साफ था। बोलो। कृष्ण, उपनिषदों के ऋषि, बुद्ध, जीसस, लल्लेश्वरी, कबीर, नानक, रमन, कृष्णमूर्ति, ओशो, बोलो कौन? तो मत सीखो इनसे। तुम्हारे मन में किसी बिल्कुल छुटपन की कहानी के कुछ पात्र बैठ गए, एक गुरुदेव होते हैं उस कहानी में जो हर प्रकार के गुणों की और पुण्यों की प्रतिमूर्ति होते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो किसी की भी मां को अच्छा लगे। आम गृहिणी उनके पास बड़े विश्वास से जा सकती है, ऐसे होते हैं गुरु जी। उनका बूढ़ा होना आवश्यक, डाउट तो उन पे ज्यादा जाना चाहिए। तुमने कभी गौर किया कि तुमने बचपन में इतनी कहानियां पढ़ी उनमें गुरुदेव की इतनी लंबी धवल दाढ़ी थी? बताओ सफेद दाढ़ी क्यों जरूरी है? तो समाज की कांख में जो कांटा घुसा रहता है, एक बूढ़ा होने से कम वो तो निकला। काम तो बाहर हुआ, तो चलो। गुरुजी इस मामले में नाकाबिल है, बलाटली। दूसरा, उनके हाथ पांव जर्जर होने चाहिए, 80 साल के और ऐसे हो कि किसी दिन उठे तो हाथ नीचे ही छूट जाए। तो हिंसा भी गई, क्योंकि हिंसा करने के लिए, कम से कम स्थूल हिंसा करने के लिए जरा शारीरिक बल चाहिए। तो जो समाज की कांख में दूसरा कांटा है वो भी हटा। अब वो काम में लिप्त नहीं हो सकते और हिंसा में लिप्त नहीं हो सकते। तीसरा, गुरुजी को वहां गरीब होना चाहिए, कतई झोपड़े में रहते हो, झोपड़ा भी उधार का। तो जो समाज में अगला कांटा घुसा रहता है वो भी हटा। धन, मोह, मद, माया, ये सब कहानियां तुमने पढ़ी हैं और तुम्हारे मन में गुरु की ये छवि है और तुम इसी छवि को पूछते हो। पांचवीं के बच्चे के कॉमिक्स के गुरु के अनुयायी हो तुम। खालिस गुरु तुम्हारे सामने आता है तो तुम इधर उधर होने लग जाते हो, तुम्हें हजार तरह की शंकाएं हो जाती हैं। कॉमिक्स वाला गुरु तुम्हें बहुत रुचता है। गरीब, बूढ़ा, जर्जर, झरड़ने को तैयार, मरणासन। अरे, और टीवी सीरियल तुमने और देख ली है जिसमें गुरु बात ही कुछ इस तरह से करता है। उठो,
लगी तो नहीं। अब यही तुम तलाश रहे हो कि ऐसा कोई मिल जाए, और जो असली होता है वो आकर के ऐसे ही लगाता है, और तुम ढूंढ रहे हो कोई जो कहे लगी तो नहीं। वो तुम्हें सिर्फ परी कथाओं में मिलेगा, असली गुरु ऐसा होता नहीं। असली गुरु तो वो होता है जो कहे कि वहां अंदर घुसो और सर कटेगा तुम्हारा। यहाँ पर एक डायलॉग है कि मारते और रोने नहीं देता, तो गुरु ऐसे होते हैं, मारते और रोने नहीं देता। पर इस बात पे तो तुम्हारा समाज सजा दे देगा ना। मैं समाज का विरोधी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि समाज में अगर रह रहे हो, जी रहे हो, तो उनके कायदों से वाकिफ रहो। क्यों अपने आप को मुसीबत में डालते हो? मैं तो कह ही रहा हूं कि ये परम दर्जे की बेवकूफी है और गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप अपनी वृत्तियों के चलते अपने मिशन का कूड़ा कर दें। आपको पता है कि आप एक व्यवस्था के भीतर जी रहे हो, आपको पता है उस व्यवस्था ने आप पर क्या शर्तें रखी हैं। वो शर्तें चाहे जहां से आ रही हो, आपने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया है। दोहरा रहा हूं, जमीन समाज की है, बिजली पानी राष्ट्र का है, ले रहे हो ना उनसे, ले रहे हो तो उनकी शर्तें फिर मानो। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का आचरण करो, और ऐसा आचरण नहीं करोगे तो जेल जाओगे। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, और बात ना मानने का दुष्परिणाम भी देख लो। एक अंशु बोली नहीं, हजारों लाखों हैं जो अब शंका के भंवर में घिरे हुए हैं। कुछ खाओगे? परमात्मा भी जब अवतार लेता है तो समय के अनुसार ही आचरण करता है। राम को तो मान लो कि वो ईश्वर के अवतार थे, लेकिन अपने समय के नियमों का, मर्यादाओं का पालन करते थे ना। तो गुरु के भीतर भले ही आत्मा रूपी गुरु बैठा हो, लेकिन उसे भी आचरण तो अपने समय के अनुसार ही करना पड़ेगा, और नहीं करेगा यदि तो उसका फल भी भुगतेगा। हो सकता है कि वो जानबूझ करके समाज के नियम कायदे तोड़े, ये भी संभावना है, पर जानबूझ के तोड़े, चाहे बेहोशी में तोड़े, फल तो मिलेगा। जब जीसस को सजा दी जा रही थी तो बगल में एक चोर को भी सजा दी जा रही थी। एक ने पूरी जागृति में समाज के कायदे तोड़े, एक ने बेहोशी में तोड़े। सजा तो दोनों को मिल रही है ना, तो सजा तो मिलेगी। और तुम ये अनुमान भी मत लगाने लग जाना कि इन्होंने कायदा जागृति में तोड़ा या माया में तोड़ा। तुम बस ये देखना कि तुम्हें कुछ मिला कि नहीं मिला। निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश मत करो। तुम्हें तकलीफ यह है कि तुम एक निष्कर्ष पे आ जाना चाहते हो।
ये उथले मन की पहचान होती है। तुम चाहते हो कि पक्का हो जाए, या तो यही सिद्ध हो जाए कि पाखंडी थे, या यही सिद्ध हो जाए कि शहीद हैं, या तो यह सिद्ध हो जाए कि पाखंडी थे, या यह सिद्ध हो जाए कि समाज के अत्याचार के कारण वीरगति को प्राप्त हुए, थे बड़े पुण्यात्मा। और यदि सच्चाई इन दोनों ही ध्रुवों से हटकर हो, कहीं और की हो, तो क्या करोगे? तुम चाहते हो किसी एक खांचे में बैठा दो, तुम चाहते हो कि किसी एक कमरे में बंद कर दो, कोई एक विशेषण जोड़ दो, अच्छे थे और अच्छे नहीं तो बुरे थे। ये बचकानी बात है, ये बच्चे करते हैं ऐसे कि जो सफेद है वो सफेद नहीं है तो काला है। सफेद भी है काला भी, भली तेरी लीला। नींद तो नहीं आ रही, बोलिए। जब कीमत मांगी जाएगी तो भग जाओगे, उसी समझ जाना। जब मौका आएगा प्राण उत्सर्ग का तो छक्के छूट जाएंगे। वैसे बड़े बहादुर बनोगे, ये है वो है, शब्दों के महल खड़ा करोगे, शब्दों के तीर चलाओगे। जब प्राण उत्सर्ग का असली मौका आएगा उस घड़ी निकम्मे साबित होगे। वारी